आप चाहे जितनी भी चालें चलें, मैं आपको आपके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आपने मेरी बेटी को जो मेरे खिलाफ करके साजिश की है ना, इसे मैं बेनकाब करके रहूंगी। दोस्तों, नीलम और मारुख की दो फैमिलीज के दरमियान जारी मोहब्बत और अदावत, माजी और हाल की साजिशों के मकड़ जाल में उलझी उम्मीद और जुनेद के दो दिलों के बीच चल रही पाकीज़ा और शफाफ मोहब्बत को आलूदा करती ये कहानी इन दोनों की शादी के मोड़ पर आसाब शिकन सस्पेंस में आकर अटक गई है। उम्मीद की बहन रमल अपनी ही बहन की अदावत में अलग तड़प रही है कि किसी तरह जुनेद से इसका अपना रिश्ता हो जाए। तुम मुझे बुरा समझो, मगर हकीकत तो यही है ना कि तुम जुनेद से मोहब्बत करती नहीं, वो तो उम्मीद के हसद में तुम ऐसा कर रही हो। अरे वरना तुम कहाँ जुनेद को घास डालने वाली हो? उस वक्त जब बदखा उम्मीद को इमोशनल ब्लैकमेल करके और माजी के हकायक को गलत पेश करके मारुख के खिलाफ उम्मीद को भड़काने में कामयाब होने वाले थे, मारुख तनहा उम्मीद को इनके मकड़ जाल से निकाल ले गई। मारुख की दुश्मनों की साजिशों को बेनकाब करने की यही कशमकश अगले एपिसोड में भी जारी रहेगी और एक सच्ची मोहब्बत हालात के तारों पौध में दागदार होती रहेगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।